कुछ बातों पर यकीन नहीं होता। अमेरिका जैसे ताकतवर देश पर किसी और देश ने कभी शासन भी किया होगा। इतिहास के पन्ने ऐसे ही आश्चर्यजनक कहानियों से भरे पड़े हैं। तब जमाना ब्रिटेन का था, द ग्रेट ब्रिटेन। पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा देशों पर ब्रिटेन का राज। जब अमेरिका पर अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त भारत में मुगल हुकूमत कर रहे थे। करीब करीब 150 साल तक अमेरिका गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। एक बड़े संग्राम और संघर्ष के बाद साल 1776 में अंततः अमेरिका को आज़ादी मिल ही गई। मशहूर नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने साल 1492 में अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। समुद्री रास्ते का पता लगने के बाद दूसरे यूरोपीय देशों से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। उस समय ब्रिटेन में उद्योग धंधे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ब्रिटेन धीरे धीरे महाशक्ति बन रहा था। वहाँ के व्यापारी कच्चा माल खरीदने और बनाए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए समुद्री मार्ग से दूसरे देश जाया करते थे। ब्रिटेन की नौसेना काफ़ी मजबूत थी। अंग्रेज व्यापारियों को नौसेना से बहुत मदद मिलती थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अमेरिका पर अपना अधिकार जमा लिया। शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी। गवर्नर को बहुत सारे अधिकार दिए जाते थे, जिससे वह शासन की कमान अपने हाथ में कसकर थामे रहे। कुछ वर्षों के बाद ब्रिटेन की सेना का यहाँ के मूल निवासियों के साथ टकराव शुरू होने लगा। अंग्रेजी सरकार के कड़े कानून से अमेरिकी नागरिक परेशान होने लगे और विद्रोह पर उतर आए। अमेरिका में ब्रिटेन का विरोध 1765 में ही शुरू हो गया। 16 दिसंबर 1773 बोस्टन टी पार्टी की घटना ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई को और उग्र कर दिया। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद ब्रिटेन की सेना पीछे हटने लगी। अमेरिका और फ्रांस की सेनाओं ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया। इसके साथ ही ब्रिटेन से लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका को आज़ादी मिली। 13 अमेरिकी कॉलोनियां स्वतंत्र घोषित हुई। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में स्पेन और फ्रांस की सेनाओं ने अमेरिकी उपनिवेश का साथ दिया। यही 13 अमेरिका के उपनिवेश मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाते हैं। क्रांति के बाद, या यूं कहिए आज़ादी के बाद, एक बदली हुई सामाजिक व्यवस्था बनी। महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार मिला और उनकी शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज स्थापित किए गए। मिडिल क्लास की शक्ति और क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। शैक्षिक, आर्थिक या सामाजिक, हर क्षेत्र में वे मजबूत हुए। स्वतंत्रता के बाद अमेरिकी बंदरगाहों को विश्व व्यापार के लिए खोल दिया गया, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई और अमेरिका शक्ति और संपन्नता हासिल करने लगा। 4 जुलाई 1777 को अपनी स्वतंत्रता के उत्सव के दौरान आतिशबाजी की परंपरा की शुरुआत हुई। 13 उपनिवेश के सम्मान में 13 तोपों की सलामी दी गई। भव्य प्रदर्शनी से शहर खूबसूरत रोशनी से जगमगा उठा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Visit again.